यहाँ क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है ए बराबर डी बराबर ए एन बराबर सब दे दिया, निकालना है एन और एस एन, कुछ नहीं है आसान है। आपको बताए थे कि मात्र फाइव लेसन में दो का ही फॉर्मूला होता है, कौन कौन, एगो ए एन का और एक एस एन का, यही ना होता है। तो पहले जो दिया रहेगा वही उसी का फॉर्मूला भरते हैं, उससे कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। देखिए जब ए एन दिया है तो पहले ए एन भर लीजिए फिर एस एन भरिएगा, दो ही ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि याद करने का ट्रिक, पहले ए लिखेगा प्लस, फिर उसके बाद से यही वाला एन लिखेगा, माइनस में वन घटा के डी लिख दीजिएगा, ठीक है। ए एन कितना है 50 और ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन, एन तो दिया ही नहीं है बेचारा, और डी दिया है 3, ये हो जाएगा 50 बराबर 5 प्लस ये 3 में एन से तो 3n हो जाएगा और 3 1 3। देखिए ब्रैकेट के साइड में जो भी होता है ना उसमें अंदर वाले से गुणा किया जाता है, 50 बराबर 5, 5 में से 3 जाएगा, नंबर में से नंबर घटाओ तो हो जाएगा 2 प्लस 3n, ठीक है। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 3n, ये कितना हो जाएगा 48 बराबर 3n, कटा दीजिए 3 × 3 = 18, n बराबर 16, निकल गया n, निकालना था एक n निकल गया। अब एस एन निकाल दीजिए, एस एन, एन का वैल्यू पता हो गया, एस एस लिख दीजिए n और ये भी n, n कितना है 16 बराबर, अब फॉर्मूला भर दीजिए क्या होता है n बाई 2 a प्लस ए एन, आप एन के एन के जगह एल भी लिख सकते हैं, ये दोनों बात एक ही है, ए एन कहो चाहे एल कहो। अब देखिए ये हो जाएगा एस 16, योग निकालना है, हो जाएगा 16/2, ए का मान है 5 प्लस ए एन, एल अभी 50 ये निकला है, ठीक है, ये हो जाएगा 8 × 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर गुणा रहता है यहाँ ब्रैकेट के पास, 8 × 5 = 40 की जरूरत में 8 × 5 = 40 और 4 = 44, एस 16 का वैल्यू आ गया 440, तो ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 और 3 बहुत आसान है, क्या कह रहा है ए दे दिया है, ए का मतलब पहला वाला जो सजावट होता है ना एपी का, बहुत ही खूबसूरत सजावट, उसमें पहला वाला ए है 7, ए 13 यानी कि ए 13 नंबर पे कितना है 35 है, अब बीच में क्या है पता है, माने लाइन बाय लाइन तो होगा एपी है, तो क्या निकालना है, कह रहा है कि डी निकालिए बीच का अंतर और दूसरा कि सबको जोड़िएगा तो एस 13 निकालिए, ठीक है। एस 13 किसे कहते हैं, 13 को जोड़िए, तो 13 को दिया भी है, ए दिया है, लास्ट वाला भी दिया है, लास्ट वाला से फर्स्ट वाला सब मिला के जोड़ने पर कितना आएगा यही पूछ रहा है। तो आप बताइए, आपसे तो एक ट्रिक हम बता चुके हैं पहले ही, फॉर्मूला तो इसमें दो ही नाम का होता है, एक होता है ए एन का और एक होता है एस एन का, यही ना दो फॉर्मूला होता है, तो जब यही फॉर्मूला होता है तो पहले जो दिया है वो निकाल लीजिए, अब बाद में निकालेंगे ये जो दिया है उससे निकालने से बहुत फायदा है। देखिए ये डी निकल जाएगा, ए 13 बराबर दिया है 35, ए 13 फॉर्मूला क्या होता है ए, कौ गो डी जोड़ना पड़ेगा 12 गो डी जोड़ना पड़ेगा, डी 12 गो एगो ये तो मिला के 13 गो ही जाएगा, ए 13 दिया है 35 बराबर, ए कितना दिया है 7 + 12 d नहीं पता है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 12 d हो जाएगा, ये घटाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा बराबर 12 d, नीचे लाइए d का मान निकालिए, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको अलग छोड़ते हैं, कटाइएगा यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 14 होगा 6 होगा 3 होगा 7 होगा, d बराबर आ गया आपका 7/3, आपका d का मान भी निकल गया। अब एस 13 निकालिए, एस 13 फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस ए एन, ठीक है, एस 13 n का मान 13/2 a प्लस ए 13, क्योंकि n का मान कितना है 13 है, जो हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ भी 13 यही ना n के जगह पर है ये भी 13, ये हो जाएगा 13/2 a का मान 7 प्लस a 13 का मान है 35, 13/2 ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा 21, 13 × 13 = 3, 13 × 26 = 27, कितना आया 253, एस 13 का मान 253, सबका योग कितना आ गया 253। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम लोग बिना देर किए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार तरीके से हमको जल्दी कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करने के बाद आगे हम लोग इसका प्रैक्टिस तो इतना जबरदस्त करेंगे आपका नंबर 95 के नीचे आने नहीं देंगे, ये गारंटी है मेरा, क्योंकि समझना और समझाने का माहौल इतना जबरदस्त बन जाएगा। यहां देखिए
ए 12 दे दिया, यानी 12 नंबर पे दिया इतना, और डी भी दे दिया है। तो अभी बताए थे कि जो दिया रहेगा वही वैल्यू भरते हैं फॉर्मूला का। तो ए 12 बराबर क्या होता है, ए प्लस 11 डी। ए 12 का मान है 37 और ए का मान नहीं दिया है, छोड़ दो, 11। डी का मान दिया है कितना, 3। देखिए जो दिया है उससे निकालिए, बाकी भरते जाइए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ बच जरूर जाएगा। ठीक है, आखिर देखिए क्वेश्चन पता है क्यों नहीं बनता है, एक वजह रहता है, हम लोग डर जाते हैं कि ले भाई ये कैसे निकलेगा, कौन फॉर्मूला लगाए। आपको ये नहीं सोचना है कि एन लगाना है, एसएन लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो एपी में दो ही तो है, जो दिया रहेगा जिसका वैल्यू वही निकालना है। ये मत सोचिए कि ये दिया है तो हम कहे निकालें, ये ना निकालना है तो पहले ये भरे तो फंस जाइएगा। पहले जो दिया है आप बताइए, पहले जिसको जानते हैं उसको ना घर पे बुला के बैठाइएगा। ठीक है, पहले उसके बारे में और जानने की कोशिश, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं उसको क्या जरूरी है फालतू में उनका टेंशन लेना। तो यही बात है, यहां पे जो दिया है उन्हीं के बारे में डीपली जानी है ना। तो ये हो गया आपका 11 3 33 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर ए, घटाइएगा तो 4, ए बराबर कितना हो गया, 4 आ गया, तो ए का मान हो गया 4। अब निकाल लीजिए एस 12 एन बाई 2 ए प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एन 12/2। ए का मान अभी निकालना है कितना, 4 प्लस ए एन, ए एन यानी ए 12 कितना है, 37, कटाइए ये 6 हो जाएगा 6, 37 और 4 ये ब्रैकेट हटता है तो गुणा आता है, 37 4 हो जाता है 41, 6 एकम 6 और 6 चौका 24। ठीक है, 246 एस 12 हो गया 246। लीजिए इसका स्क्रीन शॉट और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले दिया है ना वही फार्मूला भरते हैं, बाद में डी है। देखिए हमको किसी भी वैल्यू निकालने के लिए एपी का रूल है कि जो दिया है उसी फार्मूला को भरिए। दूसरा ए और डी पता हो तो दुनिया की कोई ताकत हमको एपी बनाने से नहीं रोक सकती है, यहां समझिएगा। अब ये क्वेश्चन दिया है, पहले दिया है ए 3 बराबर कितना, 15, फिर क्या दिया है एस 10, यही दो का फॉर्मूला भी होता है, ए का होता है एन का और एस एन का, पहले इसका भर दीजिए। ए 3 का फॉर्मूला होता है ए में कौ गो डी, 2 गो डी जोड़िएगा तो 3 गो हो जाएगा, नहीं 2 गो डी और 1 गो ई, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ई नहीं ए, मैंने मिला के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बराबर ए प्लस 2 डी। नहीं पता है समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि ना ए पता है हमको ना डी पता है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अब इससे चलते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या होता है। एस 10 फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 यानी एन का मान कितना दिया है, 10/2 और ये होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 10 कितना दिया है, 125 बराबर ये हो जाएगा, कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5, 2a प्लस ये देखिए n आपको दिया है, n यहाँ पे दिया है कितना 10, 10 में से एक जाएगा तो 9, 9 में d से तो 9 गो डी। ठीक है, यहाँ देखिए कटाइएगा तो 5 से ही कट जाएगा, 5 × 2 = 10 = 25, यहाँ 25 बचा, यहाँ बचा 2a प्लस 9d। ना a का वैल्यू पता है ना d का वैल्यू पता है तो छोड़ दो ना समीकरण, इसको 2 मान लो। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पे आपको दिया है और समीकरण 2 यहाँ पे दिया है। अगर इसमें रूल होता है कि अगर ये बराबर हो जाता, मान लो यहाँ भी 2a रहता यहाँ भी 2a, तो क्या करते, इसको घटा देते, बस ये बच जाता हमारा, लेकिन नहीं दिया है तो बराबर करे। यहाँ 2a है, 2a दिया है, यहाँ पे सिर्फ a है, तो इसको 2a बनाने के लिए अगर यहाँ 2 लिख दे, 2 से गुणा कर दे तो 2a हो जाएगा, लेकिन गुणा एगो में नहीं करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, क्योंकि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके तब घटा लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 में को, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, पूरा 1 के में हम लिख दें, क्या किए हैं, पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लीजिए और फिर 2 को घटा लीजिएगा, यानी कि इसको ये वाला समीकरण को इसमें से घटा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ कैसे घटाइएगा, पहले इसमें 2 से गुणा कीजिए, जब इसमें 2 से गुणा कीजिएगा आप तो हो जाएगा 15 × 2 = 30, सब में गुणा होता है बराबर, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4d, और घटाना क्या है, 2 घटाना है, 25 = 2a प्लस 9d, घटा लीजिए कट जाएगा, और यहाँ 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 15 × 2 = 5,
और ये 9 में से जब 5 घटे 4 घटेगा तो 5 गो डी, लेकिन माइनस में 5 से 5 कट जाएगा, डी बराबर माइनस 1 आएगा। अब जब d बराबर 1 आ गया तो इस हिसाब से जब d बराबर 1 आ गया तो बताइए d निकल गया तो a भी निकालना पड़ेगा, तो d का मान ले जाके इसी में भर दीजिए समीकरण 1 में, d का मान किसी में भरिएगा तो आ जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ d क्या है, सॉरी a क्या है, 15a प्लस 2d, 15 बराबर a प्लस 2 और d का मान माइनस 1, 15 बराबर हो जाएगा a माइनस 2 एकम 2, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 15 प्लस 2 बराबर a, तो a बराबर हो गया 17। जब a बराबर 17 d बराबर माइनस 1, d बराबर कितना माइनस 1, तो यहाँ निकालना क्या आपको a 10 निकाल लीजिए, a 10 बराबर होता है a प्लस 9d, ये हो जाएगा a कितना दिया है, तो a दिया है 17 प्लस 9, डी का मान है माइनस में 1, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, तो ए 10 बराबर कितना आ गया 8। तो लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, था बहुत आसान और मज़ेदार। बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में डी बराबर दिया है, एस ने ये दिया है और ये निकालना है, तो पहले जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाओ, एस एन एन का मान कितना है, एन बराबर यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला जब लगाइएगा तो होता है एन बाई टू, यहाँ पे होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस 9 बराबर ये हो जाएगा 9 बाई टू, 2a का वैल्यू आपको नहीं दिया है छोड़ दीजिए, n का वैल्यू दिया है 9 माइनस 1 और d का वैल्यू दिया है 5, जो जो दिया था वैसे हम भर दिए, एस 9 बराबर 75, ये हो जाएगा 9 बाई टू, 2a प्लस 9 में से एक जगह 8, 8 पच्चे 40, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 75। ये काम कीजिए, ऐसे गुणा कर सकते हैं या कटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 से कटेगा तो 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, तिरछा तिरछी देखो इनटू में रहता है तो गुणा और कट सकता है, लेकिन प्लस इसे इसको कटाने की कोशिश किया तो वो नहीं कटता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 25 दूना 50, 2 से गुणा कर दिए, इधर बचा 3 और इधर बचा 2a प्लस 40, 50 बराबर 3 दूना 6a प्लस 4 3 बार 120 हो गया, ये प्लस में है एन आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस 120 बराबर 6a, कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा बराबर में 6a, ये बट्टा में आ जाएगा 70 बट्टा 6 बराबर में a, कटाइएगा तो कटेगा ये 3 से ही हो जाएगा 35, a बराबर आया आपका माइनस 35 बट्टा 3। जब a बराबर आपको पता चल गया तो a 9, आपको n भी निकालना है, इसमें का n, यहाँ a निकालना होगा, a बराबर आपको कितना आ गया माइनस 35। अब देखिए जब ये हो गया तो आपका s 9 का फॉर्मूला क्या होता है, a 9 का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस 8d, ए कितना है माइनस 35 बट्टा 3 और प्लस 8 और डी का मान है 5, ये हो जाएगा माइनस 35 बट्टा 3 और प्लस 8 पच्चे 40 बट्टा 1 मान के इसका बट्टा का जोड़ कीजिएगा, हो जाएगा 3 माइनस 35 और प्लस 4 3 12 120, ये 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा 8 बट्टा में 3, आपका ये हो गया, ये 85/3 आपका एस 9 का वैल्यू आएगा। इसको कटाना है तो आप कटा सकते हैं, नहीं तो इतना ही पर छोड़ दीजिए। तो ये भी आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 6 में क्या कह रहा है, ए दिया है डी दिया है, बहुत आसान है, जब ये 2 दिया ही है तो ज़रूरत किसी चीज़ का ज़्यादा नहीं है, और एस एन दिया है, तो जब एस एन दिया है तो बताए थे कि जो दिया रहेगा उसी फॉर्मूला से निकालते हैं, एस एन बराबर दिया है 90, एस एन बराबर होता है एन बाई टू, ये होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर दिया है 90 बराबर हो जाएगा आपका एन बाई टू, और ये 2a का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए a का मान दिया है 2, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 और d का मान दिया है 8, ये 90 दूना 180 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे लिख सकते हो एन इंटू 4 प्लस
आठ एन माइनस आठ, 180 बराबर चार इंटू ये घटाओगे तो माइनस यहाँ एन होगा, माइनस में चार प्लस में आठ एन, 180 बराबर माइनस चार एन और ये प्लस माइन ये हो जाएगा प्लस आठ एन स्क्वायर। ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है देखो तो, दोनों में चार का पहाड़ा कॉमन मिल रहा है तो निकाल दो, यहाँ बचेगा माइनस में एन और प्लस में चार दूना आठ, इतना चार से कटाइएगा तो ये हो जाएगा चार चौका सोलह, दो बचेगा तो जीरो हो जाएगा, ये चार पचे बीस, इधर बचा पैंतालीस बराबर यहाँ एन अब प्लस में हो जाएगा आपका टू एन स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ सजा के लिखिएगा जीरो, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर भेज दिए तो ये जीरो बचा, यहाँ बचा आपका सजा के लिखिए टू एन स्क्वायर माइनस में एन और माइनस में पैंतालीस जीरो बराबर। यहाँ पे जब गुणा कीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट पे बनेगा तो 45 गुना 90, 90 को दो हिस्सा में तोड़िएगा तो क्या होगा, ये 2n स्क्वायर ये आपका हो जाएगा माइनस 10n, क्या हो जाएगा 10n एन प्लस में 9n, 10 नवा 90 हो जा रहा है, यानी 45 जो 90 10 में से 9 हो जाएगा, ये गो n बचेगा और माइनस में 45, यहाँ जीरो बराबर 2n बाहर निकालिएगा तो n माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमन लीजिएगा आप 9 तो हो जाएगा 9 पच्चे 45, एक बार बाहर वाला लिखिए तो बाहर वाला क्या है 2n प्लस 9, अंदर वाला क्या है एगो अंदर वाला लिखिए n माइनस 5, ठीक है। इसको जब बराबर कीजिएगा जीरो के तो 2n प्लस 9 बराबर जीरो, तो यहाँ माइनस में ये जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 9 बटा 2, अब माइनस वाला हम लोग नहीं लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते तो पॉजिटिव लीजिए, n माइनस 5 बराबर जीरो, तो n बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 5, n बराबर 5 आया, यानी n का मान निकल गया, अब क्या निकालना है a n, तो a n आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। a n बराबर निकालना है तो इधर साइड में निकाल लीजिए, a n इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n, n का मान कितना है 5 आया है, बराबर 5 प्लस ये यहाँ पे ए कितना दिया है, ए दिया है 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 और डी का मान दिया है 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से एक जाएगा तो बचेगा 4, और 4 और 8 32, और 32 और 2 कितना 34 हो गया, यानी ए 5 आपका 34, ए एन कितना आया 34 आया और एन का मान 5 आया। तो लीजिए इसका स्क्रीन शॉट और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए बराबर दिया है, ए एन बराबर दिया है, बताए थे जो दिया है पहले उसी से काम चलाते हैं, ये दिया है ए एन और एस एन, एस एन दिया है, क्या दिया है एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, एक और फॉर्मूला आप देखे होंगे ए प्लस ए एन, ऐसा फॉर्मूला जरूर देंगे, एस एन बराबर दिया है 210 बराबर निकालना है एन और डी का मान, बहुत आसान है निकल जाएगा, पहले ये तो भर लीजिए जो दिया है एन बाई टू, ए का मान दिया है 8 और प्लस ए एन का मान कितना दिया है 62, ठीक है, 210 बराबर एन बाई टू, 62 और ये 8 कितना होता है 62 आठ आपका हो जाएगा 70, कटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 35, यानी 210 बराबर एन 35 एन हो जाएगा 35 एन, अच्छा से लिखिए 35 एन, ये बट्टा में आएगा तो हो जाएगा 210 बट्टा 35 और ये होगा एन, कटाइए इसको 5 से, 5 से तो 35 और ये हो जाएगा 5 चौका 20, 20 कट गया एक बचा 5 दूना 10, 7 छक 42, एन बराबर कितना आ गया 6, तो जब एक एन निकालना था अब डी निकालना है ना, तो इसी से डी निकाल लीजिए, ए एन बराबर कितना दिया है 62, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर है 62 तो 62 लिख दीजिए, ए कितना है ए वाला आपका है यहाँ पे कितना 8 प्लस एन का मान क्या निकला है 6 माइनस 1 और डी कितना है तो डी तो निकालना ही है 62, 8 प्लस 6 में से एक जाएगा तो 5 डी बराबर में 62, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 डी बराबर 62 माइनस 8, 5 डी बराबर 62 में से 8 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 54 बट्टे में 5, इसको कटाना है तो कटाइए नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, तो डी का मान भी ऐसे निकल गया, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आएगा, तो लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आसान का मतलब बड़ा है लेकिन आसान है, देखिए आप
से क्वेश्चन बनता क्यों नहीं? आप क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं। अरे एक बार जंग के मैदान में कूदो तो तब ना पता चलेगा कि जंग में कितनी ताकत है या फिर ताकत है ही नहीं। एक बार क्वेश्चन बनाओ, जैसे भी हो आगे एक बार इसमें कदम रखो, बनाते जाओ। अपने जहां फंसेगा वहां थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होगा, वहां किसी से पूछने की कोशिश कीजिए। यहां समझिए, ए एन बराबर दिया है ये वाला और एस एन दिया है, डी भी दिया है, तो यही दो का ना फॉर्मूला होता है। पहले ए एन निकालिए, ए एन जो दिया है वही पहले, ए एन बराबर 4, एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में ये 4। ए नहीं दिया है छोड़ दीजिए, एन भी नहीं दिया है छोड़ दीजिए, लेकिन एक चीज तो दिया है ना, डी 2 दिया है, बराबर में ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ ए प्लस ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा 2, बराबर में हो जाएगा यहाँ 4। ए प्लस 2n, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस 2, ए प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6। ए का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, प्लस में है इधर, जिसका मान निकालते हैं उसको अलग छोड़ते हैं, ठीक है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ए बराबर हो जाएगा 6 और माइनस 2n, ए का मान निकल गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक। अब इससे चलते हैं, इसका भी ना फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर क्या है माइनस 14। एस एन का फॉर्मूला होता क्या है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ए भी लिख सकते हैं, बराबर में इधर क्या है माइनस में 14 दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, एन बाई 2, ए का मान कितना आया है, ए का मान है 6 माइनस 2n, ठीक है, ब्रैकेट डाल दीजिए। यहाँ समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं और लिखते हैं ए का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, तो 2 है n बाई 2, उसके बाद a प्लस ए एन, ए एन कितना दिया है, ए एन 4 दिया, तो यहाँ an के जगह 4 भर लीजिए, 4 हो जाएगा, अब बराबर में माइनस में 14। n बाई 2, ए का मान निकाले हो कितना आया है 6 माइनस 2n प्लस में 4 बराबर में माइनस 14। n बाई 2, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n बराबर में हो जाएगा माइनस 14। अब बताइए ब्रैकेट के बाहर जो होता है दो गो ऑप्शन है, या तो 14 दुना 28 कर दो, तिरछा तिरछी गुणा होता है बट्टा में, तो ये नीचे है ना 2 और ये कहाँ है ऊपर है, क्योंकि ये एक मानिएगा तो नीचे होगा ऐसे, तो 14 दुना ये 28 हो जाएगा, इधर बचा n 10 माइनस 2n बराबर ही हो गया आपका 28, n हो जाएगा तो हो जाएगा 10n, आई हो जाएगा 2n स्क्वायर बराबर माइनस में 28। ये दोनों को इधर भेज दीजिए, अच्छा है दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 का पहाड़ा मिल रहा है, तो 2 का पहाड़ा जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 और ये हो जाएगा n स्क्वायर बराबर में हो जाएगा माइनस 28, कटाइएगा तो ये हो जाएगा 14, 5n माइनस n स्क्वायर बराबर में माइनस 14। अब इसको इधर भेज दीजिए तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर हो जाएगा, भेजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा 5n माइनस 14 इधर है इधर 0, हम सजा दिए हैं इसको, इसको माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ऐसे हो गया है। अब एक काम कीजिए इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दीजिए, 0 बराबर एन स्क्वायर, कैसे टूटेगा, तो 14 लाना है ना तो कीजिए 7 दूना 14, यहाँ पे लिखिए 7n प्लस में 2n, देखिए 7n में से 2n जाएगा तो 5n, 7 दूना कितना होता है 14, फर्स्ट इंटू लास्ट आपको हम बता चुके हैं, ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है n मिल रहा है तो n माइनस 7, ये दोनों में 2 का पहाड़ा मिल रहा है तो हो जाएगा आपका n माइनस 7, एक वो बाहर वाला लिखा जाता है तो n प्लस 2, एक अंदर वाला, दोनों में से कोई एक, फर्स्ट इंटू लास्ट का रूल है कि ब्रैकेट में अगर बराबर आ गया तो आप सही बनाए हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक बार 0 के बराबर n प्लस 2, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2, एक बार n माइनस 7 बराबर 0 कीजिएगा तो n बराबर 7, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि निगेटिव नहीं लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हैं, तो n बराबर क्या आया 7 आया जो हमको निकालना था। जब n बराबर 7 आ गया तो n का मान किसी समीकरण में ले जाकर भर ना दीजिए, 1 में भर दीजिए, n बराबर तो लिखिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस 2n, यहाँ पे a हो जाएगा 6 माइनस 2n का मान कितना है 7 आया है, तो a बराबर a माइनस 7 दूना 14, घटाइएगा 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा माइनस में 8, तो a का मान आ गया माइनस 8 और n का मान आ गया माइनस में 7। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया हो, समझ आया हो तो देर मत कीजिए, शेयर भी कीजिए इसको, बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बकलोल बनाने की कोशिश किया है, लेकिन क्या हम लोग बकलोल बनेंगे? नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। बड़ी बेजोड़ बकलोल बनाने की कोशिश किया है, एस बराबर दे दिया है। हम लोग शुरू से पढ़े हैं या तो एस फाइव चाहे इस टाइप का कुछ दे रहा था, चाहे एस एन दे रहा था वैल्यू, ठीक है, कुछ ऐसे दे रहा था तब हम लोग बना रहे थे। यहाँ एस के नीचे कुछ है ही नहीं, या तो एन होना चाहिए या कुछ भी तो होना चाहिए ना, लेकिन डायरेक्ट एस बराबर दे दिया 152। पता है क्यों दिया है? क्योंकि वहां एन का मान दे दिया है, मतलब जहां एस एन होता है ना तो एस तो है ही, लेकिन एन का मान कितना है? 8 है। यानी एस 8 का मतलब क्या होता है? लाइन से एपी दिया होगा, मान लो कि एपी यहां कुछ दिया होगा, यहां पावर टोटल दिया होगा 8 को, और 8 को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 192। एस एन का मतलब यही तो होता है, एस 8, यानी 8 को क्या कीजिए? सम कीजिएगा तो कितना आएगा? 192। यानी आप यहां लिख सकते हैं एस एन का मान ऐसे कितना है, एन का मान 8 है, तो यहाँ लिखिएगा 8 = 192। और ए बराबर कितना दिया है आपका? 3 दिया। अब पूछा है डी निकालिए। आप बताइए कि एस वाले फॉर्मूला में डी होता है, आपको डी निकालने के लिए बोला है, तो किस फॉर्मूला में होता है? तो दो गो फॉर्मूला होता है, एक होता है एस एन बराबर एफ एन बाई टू ए प्लस ए एन, तो इसमें कहाँ कहीं डी आ रहा है, ठीक है। और एक बड़ा वाला फॉर्मूला उसमें डी आता है, उससे निकाल लीजिए। क्या होता है? एस एन बराबर होता है एन बाई टू तो होगा, और यहाँ होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 8/2, एस 8, एन का मान 8, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान 3 और प्लस 8 - 1 इंटू डी, ठीक है। एस 8 का मान दिया है 192 दिया है, 8/2, 3 दुना हो जाएगा 6, 8 में से एक जगह 7d हो जाएगा, 7d, ये कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ये हो जाएगा 192 बराबर 4 इंटू 6 + 7d, इसको कटा दीजिए, 4 × 16 = 17, 18, 19, 3 बचा तो 32 हो गया, 4 × 8 = 32, 48 हो गया, इधर 6 + 7d, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 48 - 6 = 7d, ये हो जाएगा आपका 42 = 7d, 7×6 = 42, यानी d बराबर कितना आया? 6, डी बराबर 6, ये हो गया आपका आंसर। आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया है लेकिन बनना नहीं है, तो देर नहीं करें, बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ये भी आपको बकलोल बनाने की कोशिश किया है। कह रहा है कि एल बराबर 28, एल बराबर इसको एन भी तो कहते हैं, एन बराबर 28, इसको ये कहो चाहे एल कहो चाहे अंतिम पद कहो, कोई लाइन से नंबर दिया हो और लास्ट वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? ए एन कहते हैं। तो ये हमारा कौ गो कुल पद है, कुल पद कितना है? 9 गो है, यानी यहाँ पे कोई होगा, मान लीजिए कि यहाँ 2 होगा, 4 होगा, ऐसे करते करते टोटल कौ गो पद है? 9 गो। तो 9 गो पद है तो लास्ट वाला पद 9 नंबर पर आएगा कि नहीं? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो लास्ट वाला 9 नंबर पे, तो कुल पद 9 गो है और लास्ट वाले पद मिल कितना है? ए एन है, यानी कि ए 9 दिया है आपका 28, क्योंकि ए एन किसको कहते हैं? लास्ट वाले को, और टोटल 9 गो ना पद है, तो ए एन बराबर 28। एस एन बराबर दे दिया है 144। अब बोल रहा है ए का मान निकालिए, अरे कोई बात नहीं, एन का पता हो गया कितना पद है? 9, तो ये भी कितना हो जाएगा? ए 9 ही हो जाएगा। आप तो जानते हैं एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू, आई हो जाएगा ए प्लस ए एन, ठीक है। एस एन का मान 9 है, टोटल 9 गो पद है, ठीक है, आई हो जाएगा 9/2, ए का मान नहीं पता है, ए एन, ये एन का मान कितना है? ए 9 है, ठीक है, क्योंकि टोटल 9 गो पद है। ए 9 कितना है? 144 बराबर 9/2, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए 9 कितना दिया है? 28 दिया है। हमको सबका मान भर दिए, सिर्फ ए को छोड़ के, यही हमको तो निकालना है, निकल जाएगा। ई कटाइए, 16 × 144 हो जाएगा, ये 16 बार में कट गया, और तिरछा तिरछी गुणा हो, देखो ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे बटा एक है ना, तो ऊपर ऊपर कट जाता है, किसी भी नंबर के नीचे बटा एक रहता है, आइए तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो 16 दुना कितना हो जाएगा? 32। अब बराबर यहाँ ए प्लस 28, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 32 - 28 बराबर ए, ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? 32 में से 28 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4। एक मान 4 आ गया, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और ये आपका 10 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था,
ठीक है, पर 10 तो यहीं पे लगा दो बस। कैसे, अब समझिएगा ये जबरदस्त क्यों था। आपके एग्जाम में बाबू ये गारंटी है कि इस 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको, या तो 2 नंबर में पूछे, या फिर 3 नंबर पूछे, या 1 नंबर पूछे, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना बार आपको मन करेगा, जब तक समझ में नहीं आएगा इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और तो फाइनली इनके बताए गए प्रत्येक टॉपिक आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपने पास रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों से भी रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरीके का कंटेंट जो भी है उस तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।